हाँ जी, तो कैसे हैं आप? मैं हूं लोकेश और आज के वीडियो में हमारे पास में श्री एन श्याम ब्रांड की तरफ से स्टेनलेस स्टील का तसला। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास में दो तसले रखे हुए हैं, एक है 22 सेंटीमीटर का और एक है 26 सेंटीमीटर का। अब तसला एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर आप कुकिंग भी कर सकते हैं, मिक्सिंग बाउल की तरह काम में ले सकते हैं, साथ साथ इसी के थ्रू आप सर्विंग का काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर आटा वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो वो काम भी आप इसके अंदर काफी इजिली कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक मल्टी यूज प्रोडक्ट हो गया। अब ये जो है हमारे पास में श्री एन श्याम का स्टेनलेस स्टील का तसला है, कैसी इसकी क्वालिटी और क्यों ये प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इसकी करता हूं अनबॉक्सिंग। तो यहां पर 22 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर दो साइज एट ए टाइम मेरे पास में रखे हुए। सबसे पहले 22 सेंटीमीटर वाले की बॉक्स को मैं ओपन करता हूं। जैसे ही बॉक्स को ओपन किया, पॉलीथीन को हटाया, कुछ इस टाइप की तगारी नुमा शेप का प्रोडक्ट आपके सामने आता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा स्टील का एक टब है ये। बड़े साइज को मैं जल्दी से ओपन करता हूं। यहां पर जो है 26 सेंटीमीटर वाला तसला है, इसकी पॉलीथीन को रिमूव किया और ये 26 सेंटीमीटर का तसला आपके जस्ट सामने। तो सर जी, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इन तसलों को आप बहुत ही अच्छी दाम पे परचेज करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार उसे आप जरूर चेक कर सकते हैं और दिए गए लिंक से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता। साथ ही साथ अब बात करते हैं सर जी, क्यों ये आपको परचेज करना चाहिए। तो ये एट ए टाइम आप देख सकते हैं। सबसे पहले लुकिंग देख लीजिए इस प्रोडक्ट की, आप देखेंगे कि साहब पूरा का पूरा कम्प्लीट स्टेनलेस स्टील यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी जो लुकिंग है कुछ इस टाइप की है कि यहाँ पर आपको ऐसे डॉट 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 वाला जो है कुछ इस टाइप का जो है डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जो कि हैमर्ड जिसे कहा जाता है, मथार जिसे कहा जाता है। किसी जमाने में ये जो डिजाइन है बकायदा हाथों के द्वारा की जाती थी, लेकिन आजकल ये सारी की सारी मशीन द्वारा की जाती है। इवनली जो है चारों तरफ आपको जो है आपको डॉट 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 नजर आएंगे, इससे जो इसकी लुकिंग है और ज्यादा एनहेंस हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टील आपको मिल जाता है वो मिलता है 430 ग्रेड का स्टील। अब 430 ग्रेड की स्टील की खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो स्टील होता है ये 100% फूड ग्रेड होता है, मतलब आप इजीली इसके अंदर कुकिंग कर सकते हैं, किसी भी खाने के साथ में कोई भी रिएक्ट नहीं करने वाला, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर कभी भी आपके जंग नहीं लगने वाला, रस्ट फ्री है। साथ ही तीसरी मेन चीज ये कि साहब ये 430 ग्रेड का जो स्टील है ये आपका इंडक्शन पर भी चलता है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो तसला है आपका ये गैस पे भी चलेगा, साथ ही साथ इंडक्शन पे भी चलेगा, सिरेमिक पे चलेगा, हेलोजन पे चलेगा, हर कुकटॉप पर चलने वाला बेझिझक आप इसे काम में लीजिए, किसी भी कुकटॉप के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ अगर बात करें साहब की थिकनेस कितनी है इस प्रोडक्ट की, तो 2.5 mm थिकनेस के साथ में ये तसले आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब 2.5 mm थिकनेस एक स्टील के बर्तन की कम नहीं होती, काफी अच्छी थिकनेस जो है आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि इस थिकनेस की वजह से इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा वेट भी आता है। यहाँ पर 22 सेंटीमीटर वाले तसले का जो वेट है वो है 1330 ग्राम्स, मतलब 1.3 केजी के आसपास इसका वेट है। साथ ही साथ 26 सेंटीमीटर वाले तसले का जो वेट है वो है 1680 ग्राम्स, मतलब अराउंड 1.6 केजी के आसपास इसका वेट है। तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा वेट में भी है, इसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो भी और थोड़ा इंक्रीज होती है। ठीक है, वेट तो थोड़ा बहुत स्टील के बर्तनों में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की किनोर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसकी खासियत ये है कि साहब इसकी वजह से आप जो है इस गर्म बर्तन को इजीली जो है किसी भी पकड़ वगैरह से, जो संडा से हम इसे कहते हैं उससे पकड़ सकते हैं, या फिर किसी कपड़े से आप इजीली इसे उठा सकते हैं, तो उसके अंदर कोई शिकायत नहीं है। बिकॉज इस टाइप के स्टील के बर्तन जैसा मैंने आपको बताया भारी भी होते हैं, तो इनको उठाने के लिए अगर दो हाथों का इस्तेमाल करना पड़े और आपको कपड़े से कुछ इस तरीके से उठाना पड़े तो बेझिझक आप इसको उठा सकते हैं, बिकॉज इसकी किनोर आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही साथ एक खास बात ये कि ये जो है प्रोडक्ट आपके इजीली स्टिकेबल भी होते हैं, मतलब अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है तसले आपने परचेज कर लिए, ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग कुछ इस तरीके से स्लैब पर लगाने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा जो स्पेस लेंगे नहीं, इजीली एक के अंदर एक जो है फिट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर साइजेस की बात करूँ तो सबसे छोटा साइज जो है वो आपको मिलता है 16 सेंटीमीटर का, जो कि 0.9 लीटर कैपेसिटी के अंदर आपको मिलता है। साथ ही सबसे बड़ा वाला जो साइज है वो आपको मिलता है 35 सेंटीमीटर का, जो कि आपको मिल जाता है 6.6 लीटर कैपेसिटी के साथ में। अब इन दोनों साइजेस जो कि 16 सेंटीमीटर है साथ ही साथ 35 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में आपको जो है 8 डिफरेंट डिफरेंट साइज और मिल जाते हैं।
ठीक है, तो टोटल 10 साइजेस के अंदर ये जो है आपको तसले मिलते हैं और हर साइज का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक खूबी ये होती है कि भैया इन तसलों का आप इजीली जो है वॉश कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल जो कढ़ाई वगैरह होती है उनके अंदर हो सकता है आपको जो है उनको वॉश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है रिवेट्स दे दी जाती है, हैंडल दे दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको हैंडल नहीं मिलता। हैंडल नहीं मिलता तो आप सोचिए किस कितने इजी तरीके से आप इसे वॉश कर सकते हैं। इजीली डिशवॉशर के अंदर भी वॉश कर सकते हैं और सिंपल हाथों से भी वॉश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भैया इसके अंदर आप सब्जी दाल वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बना लीजिए, ठीक है, आटा लगाना चाहते हैं तो आटा लगा लीजिए, साथ ही साथ मिक्सिंग बाउल की तरह काम में लेना चाहते हैं तो आप उसकी तरह भी काम में ले सकते हैं, सर्विंग के हिसाब से भी काम में ले सकते हैं, बिकॉज जो लुकिंग भी काफी अच्छी है। तो मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, मल्टी यूज प्रोडक्ट है, बेझिझक इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं आने वाली इनके अंदर। साथ ही साथ अगर बात करें रेट की कि भैया किस रेट पर मिलने वाले हैं, तो 22 सेंटीमीटर के इस तसले की जो कंपनी ने प्रिंट रेट मेंशन कर रखी है वो है 2160 रुपए, मतलब 2160 रुपीज। साथ ही साथ ये वाला जो हमारा 26 सेंटीमीटर वाला तसला, इसकी जो प्रिंट रेट मेंशन कर रखी है वो है 2660 रुपए, मतलब 2660। और अराउंड यहाँ पर आपको जो है 30% के आसपास लेस देखने को मिल जाएगा। तो जो छोटे साइज वाला तसला है ये आपको जो है 1600 रुपए की रेट के अंदर मिल जाएगा, और बड़े साइज वाला तसला है ये आपको अराउंड 1900 रुपए की रेट के अंदर मिल जाएगा। इस रेट के अंदर इन तसलों को बेझिझक परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ साहब इस टाइप की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।